गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर रोड साइड टेरेस गार्डन है यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 33 सी में, और हम यहाँ आए हुए हैं यहाँ पर। तो रोड के किनारे देखिए, है ना, रोड के किनारे ये जूस का शॉप लगाए हुए हैं और सारी व्यवस्था है। बड़े आकर्षक तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। अब देखिए डिस्प्ले का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। सामने एक और जूस की शॉप है लेकिन डिस्प्ले अच्छा नहीं है। तो आ एक कंज्यूमर के लिए क्या मायने रखता है कि चीज़ों का प्रॉपर डिस्प्ले हो, देखने में सुंदर लगे, तो आकर्षण बढ़ता है। और ये हमारे शॉप के ऑनर हैं और एक कंज्यूमर में, दो कंज्यूमर यहाँ बैठे हुए हैं और एक कंज्यूमर फिनिश किया है। तो ये इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। देखिए पहली बात, ये कितने साल से आप लगा रहे हो यहाँ पर? 30 साल हो गए सर। 30 साल से इसी जगह पर लगा रहे हो आप? 30 साल से ये इसी जगह पर अपने जूस की दुकान खोली हुई है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई आपको परेशानी तो नहीं होती होगी? नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, 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 नहीं। अच्छा, वेरी गुड। लेसन बने हुए हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। सामने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग आते हैं और इनका जूस की सेलिंग होती है। इन्होंने छोटा सा एक सुजाता का मिक्सर भी रखा हुआ है और उनके साथ एक असिस्टेंट भी हैं। हाय कर दो यार। तो आपका शुभ नाम? सुरेश यादव सर। सुरेश यादव जी, सुरेश यादव जी आप कहाँ रहने वाले हो? अयोध्या के हैं। अच्छा, उसी अयोध्या के हैं जहाँ पर अभी हाल में ही काफ़ी बड़ा 500 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक घटना घटी और भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर वहाँ बनाया गया। तो उस अयोध्या के निवास कितने 30 साल से आप यहाँ हो? तो आपका परिवार यहीं रहता होगा? पूरा परिवार यहीं से। अच्छा, कितने बाल बच्चे हैं आपके? सर दो बेटे हैं सर। दो बेटे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं सर, छोटे हैं। छोटे हैं, किस क्लास में हैं? 15 साल का। कौन सी क्लास में है ये? 1 से 9 क्लास में है। हाँ, 1 से 6 क्लास में। 9वीं क्लास में, 6 क्लास में है। तो ये भाई साहब 30 साल इनको हो गए यहाँ पर लगभग, ये जूस कॉर्नर 30 साल, मतलब समझ सकते हैं इनकी उम्र उस समय कितनी रही होगी और यहाँ आकर ये जूस की शॉप लगा रहे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ देखने को, मैं तो पहली बात तो ये देखिए कि स्किल, अगर आदमी के पास स्किल है, ये कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी जॉब के पीछे परेशान है। अच्छा, ये बिना किसी जॉब के करते हुए भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं, अपना उन्होंने खुद क्रिएट किया, कुछ और लोगों को सहायता भी करते होंगे, अपने परिवार को चला ही रहे हैं। और मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं ना, तो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ये आते हैं और अपनी दुकान की। आपको एक दिन में कितने बच जाते होंगे लगभग? काम के ऊपर 1500 से 2000, 700 हम 1000 ऑन एवरेज मान सकते हैं। हाँ जी, ऑन एवरेज हम अगर 1000 मानते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 30,000 का इनका टर्नओवर है महीने का। ठीक है, देखिए कितनी भीड़ है, देखो आप सब लोग, सब लोग आ रहे हैं और आए और यार से देखने, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है ना पीने का। कितनी अच्छी चीज़ें अब मॉर्निंग वॉक में जो चीज़ें इन्होंने कलेक्शन किया हुआ है, कितना सुंदर कलेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है मतलब इनके यहाँ मैं कई दिन, जब से मैं आया हूँ चंडीगढ़ तब से मैं इनके यहाँ पी रहा हूँ और ये बड़ी शुद्धता के साथ, बड़े जोश के साथ और बड़े प्यार से पिलाते हैं। तो फिर भी बात है, बड़े प्यार से पिलाते हैं। एक बार मेरी इच्छा हुई, ऐसे पड़ा हुआ था कि मैं ये ले सकता हूँ क्या, ऐसे देख के उन्होंने कहा हाँ भाई साहब क्यों नहीं ले सकते, मतलब बड़े प्यारा लगा। मैं लेने नहीं जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ बस, बताए। तो मतलब ये एक जोश होता है जो सामने वाले की, आदमी की कद्र कैसी है ये दिखाता है। और रहने वाले वैसे अयोध्या के हैं तो निश्चित रूप से, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो वही एक मैसेज मैं देना चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी को कि आप, अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास जज्बा है, जुनून है आगे बढ़ने का, तो आपके पास काम की कमी नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।